नमस्कार, मैं हूँ मयंक रावल, मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूँ। आज का जो कार्यक्रम था उसमें एक मल्टी टैलेंटेड जो पर्सनालिटी है उसके बारे में जानने की कोशिश की गई। शकुंतला जी जो है यहाँ की जानी मानी एक्टर, उससे इंटरव्यू लिया। बेसिकली इट वॉज ऑल अबाउट माई लाइफ कि इतनी सारी कला है, मैं कैसे सीखा, उसमें सक्सेस कैसे मिली, मेरे इंस्पिरेशंस कौन थे, मेरे गुरुज कौन हैं, और किन किन हालात से गुजरते हुए मैं थका नहीं। तो ये जो कार्यक्रम था, डेढ़ घंटे का कार्यक्रम था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, उसके जवाब जो मैंने दिए वो पर्सनल थे क्योंकि वो मेरी लाइफ के बारे में था। और उदयपुर मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि वो सिर्फ जिलों की नगरी नहीं, ये दिलों की भी नगरी है। तो यहाँ के लोग दिलों में बसा लेते हैं और बसने को जी करता है। तो ऐसे कार्यक्रम में बार बार आना भी अच्छा लगेगा। और उदयपुर के लिए मैं आर्किटेक्ट हूँ, वास्तु साइंटिस्ट हूँ, तो अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर मैं आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा दूसरा घर है, ज़रूर मिलते रहेंगे। जी मैम, मैं डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया, आज भारतीय लोक कला मंडल के सहयोग से हमने मैं डॉक्टर शकुंतला स्वरूपरिया आज भारतीय लोक कला मंडल के सहयोग से पद्मश्री स्वर्गीय देवीलाल जी सामा जी की स्मृति में हमने आज ये कार्यक्रम किया है, जो विशेष रूप से साक्षात्कार का कार्यक्रम था। इसका नाम हमने दिया है इंद्रधनुषी सृजन रत्न कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में हमने आज सबसे पहले अहमदाबाद से बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, जो एक कवि भी हैं, एक वास्तुकार हैं, वास्तु वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, गायक हैं, नाटककार हैं, न जाने कितने गुणों से विभूषित हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अलंकरणों से और सम्मानों से विभूषित हैं, उनका हमने आज साक्षात्कार लिया था। और इसके लिए मैं खास तौर पर शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी श्री लईक हुसैन जी का। और आपका परिचय भी आपने बहुत ही खूबसूरती से श्रीनिवासन अय्यर जी ने दिया, और कार्यक्रम का संचालन हमारी बहन डॉक्टर सुमन पामेचा ने किया। तो ये हमने मासिक श्रृंखला शुरू की है, जो सृजन के सृजन धर्मी हैं उनको हम एक एक करके बुलाते रहेंगे। और उदयपुर शहर में मैं सोचती हूँ कि बहुत दिनों बाद इस तरह की परंपरा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी इसको देखने सुनने के लिए पधारेंगे और इस शहर के लिए सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के रूप में हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं अपने कुछ प्रयासों में, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है। बहुत बहुत